आज करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत और आदर्श स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, जिन्हें लोग नरेन के नाम से भी बुलाते थे। पश्चिमी देशों को योग वेदांत की शिक्षा से स्वामी विवेकानंद ने ही अवगत कराया था। पश्चिमी हिंदू धर्म के प्रचार का बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है। जब भी स्वामी विवेकानंद की बात होती है तो उनका साल 1893 में अमेरिका के शिकागो में दिया गया भाषण जरूर याद किया जाता है। उसे याद करते हुए आज भी भारतीयों को गर्व महसूस होता है। 1893 में स्वामी विवेकानंद को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का शंखनाद करने के लिए भेजा गया था, जिसमें वो सफल हुए थे। अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद के मंच से जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठा और कई मिनटों तक वहां पर तालियां बजती रहीं। स्वामी विवेकानंद ने मंच से कहा, मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसमें सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी गई है। हमने अपने दिल में इसराइल के सबसे पवित्र अवशेषों को संजो कर रखा है, जो भारत आए थे और हमारे साथ शरण ली थी। इसराइलियों का पवित्र मंदिर रोमन अत्याचारों के द्वारा टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। मुझे उस धर्म का होने पर गर्व है जिसने भव्य पारसी राष्ट्र के अवशेषों को आश्रय दिया और अभी भी उनका पालन पोषण कर रहा है। 11 सितंबर 1983 का वह दिन भारत के इतिहास में एक सुनहरा पल बन गया था। स्वामी विवेकानंद का भाषण समाप्त होते ही पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा था। आज भी जब उस पल को याद किया जाता है तो सभी भारतीयों का सीना गर्व से फूल जाता है।